नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। धौलपुर में राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल और भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारे को ज्ञापन दिया। पाली के फालना में अल्फा इंश्योरेंस एसोसिएट्स ने नववर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन मुख्य अतिथि फालना थानाधिकारी ओम प्रकाश कासनिया और विशिष्ट अतिथि उद्योग मंडल के डायरेक्टर रामकिशोर गोयल की अध्यक्षता में किया। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड पर बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम धौलपुर पहुंची और नए मेडिकल कॉलेज के साथ जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। धौलपुर जिला मुख्यालय के लिए दी गई नर्सिंग कॉलेज की सौगात की क्रियान्वति की कवायद शुरू हो गई है। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए 2 सदस्यीय टीम धौलपुर पहुंची। देसुरी के सुनाड़ा में एक मादा पैंथर की आतंक से ग्रामीण भयभीत है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय वन अधिकारी को सूचना दी। वन विभाग के कार्मिक पैंथर का रेस्क्यू करने मौके पर पहुंचे लेकिन मादा पैंथर उन्हें हाथ नहीं लगे। पाली के बाली में विश्व कैंसर दिवस पर नर्सिंग छात्रों ने जन जागृति रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ करने और गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों की मुक्ति के क्रम में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। पाली के देसुरी में मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जोजावड़ ने बार काउंसिल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। दौसा के बांदीकुई में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का को जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर पूर्व प्रधान सद सुबुद्धिराम मीणा ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। सिरोही के बाखर में आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने जनजाति छात्रावास का निरीक्षण किया। उदयपुर में झाडोल के युवा समाज सेवी विक्रम सिंह भागरोत ने 6 विद्यालयों में जनजाति बालकों को स्टेशनरी वितरित की। दौसा कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके पंचायत जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से मुलाकात की। कलेक्टर ने ग्रामीण द्वारा बताई गई समस्याओं का तत्काल निदान किया। भरतपुर के नदबे क्षेत्र में लखनपुर स्थित पीएनबी बैंक कार्यालय पर ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। दौसा के पांचोली गांव निवासी जयपुर एसओजी में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात सुरेश गुर्जर के सड़क हादसे में मौत के बाद पैतरा गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। सिरोही में माउंट आबू युवा मोर्चा अध्यक्ष नरपत दान चारण उत्तराखंड के चुनाव में प्रचार प्रसार करने पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। सिरोही के रेवधर में अच्छी आदत अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वच्छता किट बांटी गई। उदयपुर में सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर सिंह मीणा ने बड़ी सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। मीणा को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए उनके निवास पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। उदयपुर में देवास के खेत में खड़ी पिकअप गाड़ी में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगाने वालों का सुराग नहीं लगा है। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकरोदा में महेश्वरी महिला गौरव की ओर से निशुल्क स्टेशनरी का वितरण किया गया। उदयपुर में मावली बार एसोसिएशन की ओर से उपखंड मजिस्ट्रेट और एसीईएम के पदों को भरने की मांग को लेकर कार्यवाहक एसडीएम को ज्ञापन दिया। उदयपुर के मावली कस्बे में आईटी यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। उदयपुर में कुराबट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई है। बैठक में वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उदयपुर के देवारी गांव स्थित धुनी माता मंदिर परिसर में सहकारी समितियां कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई जिसमें इंटक प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राजश्रीमाली मौजूद रहे। भीलवाड़ा के रायला में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगलास में 400 छात्र छात्राओं 14 स्टाफ सदस्यों ने 13 मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार किया। बूंदी में छतरपुर रोड पर विशाल पेड़ सड़क पर गिरा जिससे यातायात अवरुद्ध हुआ। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में रेलवे लाइन के नीचे निकलने वाला नाला अवरुद्ध हो गया। इसके चलते रेल विभाग ने मालिक का दुरुस्तीकरण करवाना शुरू कर दिया है। बूंदी में हिंडौली पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। 2 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। बूंदी के हिंडौली हाईवे 52 पर 2 ट्रकों की हुई भिड़ंत में 3 लोग घायल हुए हैं। 3 का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सवाईमाधोपुर में खंडा उखंड क्षेत्र के खंडेवला गांव में चोर खेत पर लगे बिजली ट्रांसफार्मर को बिजली पोल से गिराकर तांबा और तेल निकाल कर ले गए। लगातार हो रहे ट्रांसफार्मर चोरी से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।
चोमू के धोबलाई में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। गंगापुर में नगरपालिका ने पनघट पर टूटी हुई टोटियों को सही लगाकर व्यर्थ बह रहे पानी की सुध ली। चोमू में देर रात को धोबलाई में बेकाबू होकर कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में धोबलाई सरपंच रमेश शर्मा घायल हुए हैं। मामले की सूचना मिलने पर विधायक रामलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। चोमू के इटावा में कब्रिस्तान का रास्ता बंद होने से शव दफनाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। मामले की सूचना पर तहसीलदार कृष्णा शर्मा और थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाया। भीलवाड़ा के रायला में नेहरू युवा संगठन के सुमित यादव के निर्देश के अनुसार नेहरू युवा केंद्र में महात्मा गांधी स्वच्छता जागरूकता के तहत श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में खंडार विधायक अशोक बैरवा ने क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया। लोगों ने जगह जगह फूल माला पहनाकर और साफा बांधकर उनका स्वागत किया। हनुमानगढ़ के सर्किट हाउस में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लॉन्च होने वाली ऐप को लेकर संभाग प्रभारी रघुवीर सिंह ने पीओसी शहर प्रभारी गोविंदर शर्मा और ग्रामीण प्रभारी अनिल तिवाड़ी को नियुक्त किया। चोमू में हाईवे पर कृषि भूमि पर व्यावसायिक निर्माण की कोशिश करने के लिए आए जेडीए दस्ते का भूमि मालिक ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि काफी विरोध के बाद जेडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। कोटा में एसडीएम राजेश डागा के अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। उधपुरा की बेशकीमती 7 बीघा चारागा भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सरकारी नलकूप में व्यर्थ बह रहा लाखों लीटर पानी, लेकिन संबंधित विभाग को अवगत कराने के बाद भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सवाईमाधोपुर में मलाना डूंगर थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के निर्देशन पर अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर थाना क्षेत्र के एब्रा मोरेल नदी से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। चौमू में कचौलिया रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है। जैसलमेर में फतेहगढ़ से डागरी सड़क मार्ग पर घुमावदार मोड़ होने के चलते कई बार छोटे मोटे हादसे हुए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवगत कराने के बाद भी इन घुमावदार मोड़ों को सीधा नहीं किया गया। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में कोहरा छा जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कोटा के बपावर कस्बे में 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक पर साइकिल रखकर चुरा कर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइकिल चोर का पता लगाकर उसकी तलाश शुरू की। अलवर में नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के समोदा से खरकड़ी कला सड़क मार्ग पर कोहरा होने के चलते बाइक और डंपर के आमने सामने भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार पिता और बेटा घायल हो गए। अलवर के कठुमर थाने में रहे कमल सिंह सीआई का स्थानांतरण मानव तस्करी यूनिट अलवर में होने पर सरपंच शेर सिंह मीणा और अनेक गणमान्य लोगों ने विदाई दी। सवाईमाधोपुर में मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत घाटा नेनवाड़ी गांव में पिछले कई महीनों से चोरी की वारदातें नहीं थम रही। चोरों ने घाटा नेनवाड़ी स्थित मीन भगवान मंदिर से बोरिंग में पानी की सप्लाई के लिए लगी मोटर चोरी कर ली। अलवर के थाना गाजी में बसंत पंचमी पर्व पर शादियों की धूम रही। कस्बे में जाम के हालात बने रहे। अजमेर के ब्यावर में जलदाय विभाग में अधिशासी अभियंता पद पर कार्यरत सुरेंद्र कुमार तवर की पुत्री आयुषी तवर ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2022 में भाग लिया। ब्यावर का नाम रोशन किया। अलवर के रामगढ़ में गंदे पानी का भराव जुग्गी झोपड़ी वालों के लिए नरक बना हुआ है। जयपुर में कोटपुतली के गांव रामपुरा निवासी मुकेश गुर्जर का सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन होने पर माला और साफा पहनाकर स्वागत और उनका अभिनंदन किया गया। अलवर एसपी तेजस्वी गौतम ने रामगढ़ डीएसपी कराले और रामगढ़ थाने का औचक निरीक्षण किया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अब की बार सरसों की बंपर पैदावार है। पिछले दिनों हुई मावट से किसानों की फसलों को काफी फायदा हुआ, जिससे किसान काफी खुश हैं। अलवर के खैरदल में बाजारों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने संयुक्त व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक डीएसपी अतुल अंग्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अलवर के मुंडावर में पुलिस ने ग्राम बैरोज मुर्गी फार्म से मुर्गी दाना चोरी कर ले जाने में राहुल सुरेश और रामचंद्र को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की टीम बड़ा गांव पहुंची, जहां पर जिला परिषद सदस्य अजय कुमार भलोटिया ने बीजेपी समर्पण निधि में 1 लाख का चेक भेंट किया। सीकर के खाटू श्यामजी में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। एक ट्रैक्टर के चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने के चलते हादसा हुआ, बच्ची की मौत हो गई। झुंझुनू में उदयपुर बाटी की ग्राम पंचायत सिंगनौर में नंदीशाला और गौशाला की नींव रखी हुई। अलवर के बहरूड़ में घना कोहरा छाया रहा, वाहन चालकों को परेशानी हुई, सरसों की फसल को भी नुकसान होने का डर है। अजमेर में प्रशासनिक कारणों के चलते उपखंड अधिकारी ब्यावर को अपने पद के कार्य के साथ साथ अग्रिम आदेशों तक आयुक्त नगर परिषद के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्ति प्रदान की गई है। झुंझुनू की एटीसी आबूसर में 2 दिवसीय स्टाफ ऑफिसर्स और कृषि पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है।
झुंझुनू में ग्राम पंचायत खिरोड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेवानगर में भामाशाह और शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। झुंझुनू के मारिकसर गांव में प्रगतिशील किसान बलबीर के खेत में किसानों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को सरसों की उन्नत पैदावार के बारे में जानकारी दी गई। अजमेर के ब्यावर में स्थानीय निवासी ज्ञानचंद बिनायक याकु श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली की व्यायावच योजना के राष्ट्रीय सहमंत्री पद पर नियुक्ति दी गई। बाड़मेर के गुड़ामालिनी में धोरीमन्ना पुलिस ने बिना नंबरी गाड़ी के तलाशी को लेकर दो पिस्टल मैगजीन 161 ग्राम एमडी 145 ग्राम स्मैक 17 ग्राम अफीम का दूध 1 किलो डोडा पोस्ट 1,03,000 रुपए की नकदी और सोने के आभूषण के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में कुसुम देसा सड़क के किनारे संदिग्ध अवस्था स्थिति में कार खड़ी होने की सूचना पर पुलिस ने तलाशी के दौरान 4 कट्टे पोस्ट चूरा बरामद करके कार को जब्त किया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग पर सट्टा बुक्की करते मुखी उमेश बंसल को 4 मोबाइल 2 लैपटॉप करीब 6 लाख के हिसाब के साथ गिरफ्तार किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में डांगरी पंचायत नलकू पर बनी रहवासी कच्चे झोपे में आग लगने से लाखों का सामान जल गया है। ग्रामीणों के सहयोग से आग को बुझा लिया गया है। अजमेर के सरवाड़ में केकड़ी विधायक और गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने क्षेत्र का दौरा करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, साथ ही विभिन्न विवाह समारोह में भाग लेकर वरवधु को आशीर्वाद दिया। जयपुर में जोबने पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खेड़ावास में जिला कलेक्टर राजन विशाल ने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। अजमेर के सरवाड़ में सहायक कृषि अधिकारी ने क्षेत्र में फसलों का जायजा लेकर किसानों को रोग नियंत्रण की जानकारी दी, मौसम की मार से बचाने के उपाय सुझाए। हनुमानगढ़ में जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल लाइसेंस के लिए पीएचसी के बाध्यता समाप्त करने के लिए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन दिया। सीकर के श्रीमाधोपुर थाने में पुलिस उप अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली, अपराधों पर अंकुश के लिए सीएलजी सदस्यों से सहयोग करने की अपील। सीकर के रिंगस में अस्पताल के पास एक बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। जैसलमेर के रामदेवरा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। सरदार शहर के वार्ड 5 में एलएनटी कंपनी द्वारा पानी की पाइपलाइन डालने के काम पर वार्ड के लोगों ने सवाल उठाए। सीकर के फतेहपुर इलाके में सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित, फतेहपुर इलाके में तापमान 2.5 डिग्री दर्ज। सीकर में नीमका थाना की पाटन पुलिस ने चोरी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों ने 3 चोरी की वारदात करना कबूल किया है। सरदार शहर तहसील क्षेत्र के गांव मीवसर के एक नाबालिग ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के कारणों का अनुसंधान कर रही है पुलिस। बाड़मेर के गुड़ामालिनी उपखंड क्षेत्र में अवैध मॉडिफाइड ट्रांसफार्मर विद्युत चोरी पकड़ने गई विजिलेंस की टीम पर कुछ लोगों ने लाठी सरियों से हमला कर दिया, विजिलेंस टीम के कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। चोरू में सरदार शहर के बीकानेर रोड साधनसर फाटा के पास रेवाड़ परिवार की ओर से बीर तेजाजी महाराज के मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सालों से चली आ रही पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कैंसर जागरूकता रैली का आयोजन, ये कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग राजकीय विद्यालय और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से करवाया गया। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर बहलोड गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलटा, हादसे में चालक और खलासी घायल। जयपुर के दूदू में मौजमाबाद के गांव सेवा में बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर कलश यात्रा आयोजित हुई है, सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लेकर मंगल गीत गाए। जोधपुर में बावड़ी के नादिया खुर्द से हथुंडी सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र से युवाओं की एक 22 सदस्यीय टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभिभाषण से प्रेरित होकर जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल के सानिध्य में बीजेपी में शामिल हुई। जयपुर में सांबर लेक पंचायत समिति के गांव खेतवाड़ी खतवाड़ी खुर्द में कलश यात्रा के साथ बालाजी और जुझारजी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। चूरू जिले में चलाया जा रहे शुद्ध के लिए अभियान में जिले की खाद्य सुरक्षा टीम ने कमल एजेंसी से घी का एक नमूना और चांद कोटिया ट्रेडर से एक टमाटर सॉस का नमूना लिया, नमूने प्रयोगशाला जयपुर जांच के लिए भेजे। करौली के हिंडौन से टीमें कंप्यूटर अधीनस्थ कर्मचारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर हिंडौन एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। हिंडौन से टीमें रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर हिमलता गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन दिया। हिंडौन सिटी में वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायक ने विधायक भरोसीलाल जाटव को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर के बीज बायला पंचायत भवन में सरपंच साधुराम गोड़ की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जन जागृति अभियान के तहत शिविर लगाया गया। करौली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मनोज को महिला अपराध विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ और करौली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़क के बीच लगा विद्युत ट्रांसफार्मर हादसे को न्योता दे रहे हैं, सड़क के बीच लगे ट्रांसफार्मर से कभी भी हादसा हो सकता है।
श्रीगंगानगर के घरसाना में उपखंड अधिकारी अभिलाषा पूनिया ने ग्राम पंचायत तीन केड़ी में वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। कार्यवाहक तहसीलदार रावला निधि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंचे पति पत्नी को वकीलों ने समझाइश करके राजीनामा करवाकर एक साथ वापस घर भेज दिया। श्रीगंगानगर के जैतसर में बसंत पंचमी पर्व पर स्कूल कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम हुए। छात्राओं ने पीत वस्त्र धारण किए, मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। नागौर जिले के मुंडवा में वीर तेजा महिला संस्थान में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। पूर्व सांसद सीआर चौधरी ने मां सरस्वती की पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। बांसवाड़ा के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के भवरकडा गांव में चार बच्चों के पिता ने आत्महत्या कर ली। पत्नी के छोड़ जाने से मानसिक रूप से परेशान था पिता। बांसवाड़ा के बस्सी मकवाना गांव में बालिका ने जहर पी लिया, बेसुध अवस्था में चिकित्सालय लाया गया। इलाज के दौरान बालिका की मौत हो गई।